आप नोट करिएगा, मैट्रिक्स विद वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है ये हमेशा मैट्रिक्स के अंदर नंबर्स ही हैं, हो सकता है अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं। तो हम ये कहेंगे एग्जांपल कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ लिख लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये हो गया हमारा कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद सेकंड लिखेंगे रो मैट्रिक्स। नाम से ही समझ में आ गया होगा आपको क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो बाकी कितने भी कॉलम हो, ठीक है। अ मैट्रिक्स विद वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू, अब ऐसे लिख दीजिए ए बी सी डी। अच्छा, जैसे मैंने ये ए बी सी डी यहाँ पर लिखा था ऊपर कॉलम मैट्रिक्स में, इसका ऑर्डर बताएंगे क्या है? 4 by 1। बहुत बढ़िया, 4 by 1। क्यों? क्योंकि ऐसे 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 एक दो तीन चार रो हैं लेकिन कॉलम केवल एक ही है, ठीक है। तो पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं, तो 4 by 1। ऐसे ही इसका क्या होगा ऑर्डर? 1 by 4। तो ये हमारी हो गई रो मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट नोट करिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ए से बी से डिनोट करते हैं। हाँ, मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए या कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स विच हैज इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ? 2 by 2, क्योंकि एक और दो दो रो हैं और एक और दो दो ही कॉलम हैं, 2 by 2। एंड एक दूसरी मैट्रिक्स ले लीजिए, इसमें लिख दो एल M N O P Q R S T, इसका ऑर्डर बताइए? 3 by 3। दिखाई दे रहा है ना? तो एक दो और तीन, तीन रो एक दो और तीन, तीन कॉलम है। तो जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उसको हम बोल देते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद फोर्थ नोट करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स इन विच ऑल द मैट्रिक्स इन विच ऑल द मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
बल्कि ये जो मैंने एक मैट्रिक्स लिखवा है ना, इसमें आप ये साइन लगाकर यहाँ पर लिखना स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, नहीं तो डायगनल बनेगा ही नहीं। अभी डायगनल कैसे बनता है वो मैं बताऊंगा आपको। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन व्हिच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड अ डायगनल, इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स, इज कॉल्ड अ डायगनल मैट्रिक्स। अब एक चीज देखिएगा, असल में ना डायगनल क्या होता है, तो डायगनल हमने ऐसे देखा, फॉर एग्जांपल एक स्क्वायर ले लो या रेक्टेंगल ले लो, तो जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में एक डायगनल तो ये हो जाता है और एक डायगनल ये हो जाता है, तो डायगनल कौन सा लेना है याद रखना, ये वाला डायगनल लेना, ठीक है। ये जो ऐसे डायगनल है ये वाला नहीं लेना, मतलब डायगनल क्या है, ऊपर से नीचे गिरेगा, ये याद रखना, लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे गिरेगा, नीचे से ऊपर नहीं उठेगा, समझ रहे, याद रखने का तरीका है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत बेसिक चीज़ है ये, कई बार क्या है कि हम बहुत आगे तक के क्वेश्चंस करते हैं और ये बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं, तो इसको याद रखने के छोटे छोटे तरीके हैं, उनको दिमाग में बिठा लो बस ऐसे, कि दो तरीके के डायगनल हैं, एक ऊपर से नीचे गिरता है, एक नीचे से ऊपर उठता है, दोनों के दोनों लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं, जा रहे हैं दोनों लेफ्ट टू राइट। देखो ये भी लेफ्ट से राइट पहुंच गया, ठीक है, और ये भी लेफ्ट से राइट पहुंच गया, तो मुझे ये वाला नहीं लेना, मेरे को ये वाला लेना, ठीक है, मतलब जो ऊपर से नीचे गिर रहा हो वो वाला डायगनल हमको लेना है। अब वो होता क्या है वो देखिए, एग्जाम्पल, अब क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एग्जाम्पल कैपिटल ए इज इक्वल टू ए बी जीरो जीरो टू बाई टू, तो क्या समझ रहे हैं, ये टू बाई टू ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि दो रो दो कॉलम तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ये हो गया ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे गिरने वाले एलिमेंट्स कौन से हो गए डायगनली, इस तरीके से डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं अगर वो जीरो हो गए तो उस मैट्रिक्स को हम डायगनल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख लो, बी इज इक्वल टू वन टू थ्री जीरो 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 जीरो, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री, तो ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल है ये वन टू थ्री है, ये डायगनल एलिमेंट्स हैं कुछ, बाकी नॉन डायगनल एलिमेंट्स सारे जीरो। हाँ जी बताइए, आप ये कहेंगे बीच में से लाइन जो है वो खाली नहीं जानी चाहिए, हर कॉलम को टच करती हुई जाए, ठीक है, तो इसमें पहले कॉलम को भी टच करा इसने लाइन ने और दूसरे कॉलम को भी टच करा, ठीक, ऐसे इसमें देखिए पहले कॉलम को भी टच करा दूसरे कॉलम, वही तो वो पूछ रही है, वही तो वो पूछ रही है कि डायगनल तो हम हर मैट्रिक्स में बना सकते हैं तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात क्यों करी जा रही है, समझ गए। तो यहाँ वाले डायगनल में और इस वाले डायगनल में वो अंतर क्या है कि आप ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है ये टच हो गया, थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये टच हो गया, लेकिन सेकंड कॉलम अनटच रह गया, तो इस वजह से स्क्वायर मैट्रिक्स ही केवल आपको डायगनल देती है, बाकी और कोई मैट्रिक्स नहीं, समझ गए। हाँ अगर किसी में नहीं है, अगर किसी में मान लो जैसे इसमें क्या है कि डायगनल एलिमेंट्स को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो तब ये डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी, नहीं तो नॉर्मल स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी बस, कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अगर बस एक जीरो की जगह कोई और नंबर हो भी नहीं, हाँ तो भी सारे ही नॉन डायगनल एलिमेंट्स मेरे को जीरो चाहिए, समझ गए, ठीक है। अब अगला देखो, और अगर बाकी सारे जीरो नहीं हुए तो वो फिर डायगनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा,
ठीक है, जितने भी नॉन डायगनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे तभी वो डायगनल मैट्रिक्स कहलाएगी, बस इतना। अब देखते हैं फिफ्थ पार्ट, समझ लो फिफ्थ पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स। अब सुनिएगा, स्केलर मैट्रिक्स क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स in which all the diagonal elements are same is called the scalar, is called a scalar matrix. Example, कैपिटल ए इज इक्वल टू, अब शुरुआत ही हमने किस लाइन से करी है, और डायगनल मैट्रिक्स मतलब अब स्केलर मैट्रिक्स का डायगनल मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, डायगनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, तो ये सारी जो मैट्रिक्स हैं सारी आपस में रिलेटेड है, तो डायगनल मैट्रिक्स होगी, इसका मतलब क्या है कि सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स तो जीरो होंगे, और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं जैसे यहाँ पर वन टू थ्री था, जैसे यहाँ पर ए बी था, वो सेम होंगे, जैसे के जीरो 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 के जीरो 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 के, तो डायगनल मैट्रिक्स तो ये है ना, क्योंकि जो डायगनल एलिमेंट्स हैं इनके अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो डायगनल मैट्रिक्स तो ये है, और जो डायगनल एलिमेंट्स हैं, जो ये डायगनल है उस पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम है, उसको क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, समझ गए, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारी की सारी रोज और कॉलम्स इक्वल हो, नंबर इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, स्केलर मैट्रिक्स, अगर उस वो इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो हो जाएं तो वो डायगनल मैट्रिक्स। एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगनल एलिमेंट्स सेम हो तो वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं सिक्स्थ राइट, समझ रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर बोल रहे ना डायगनल मैट्रिक्स, तो एक चीज पहले से तय हो गई कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। दूसरी चीज, उसके सारे नॉन डायगनल एलिमेंट्स का जीरो होना जरूरी है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से डायगनल मैट्रिक्स बनी, डायगनल मैट्रिक्स से स्केलर मैट्रिक्स बनी, अब स्केलर से क्या बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। स्केलर बोल लो उसको, डायगनल ही बोल दीजिए, और डायगनल मैट्रिक्स इन डायगनल के लिखा है, के स्मॉल के 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 उसमें डायगनल है कि स्केलर है जो भी आइडेंटिटी है। अच्छा, ये यहाँ पर डायगनल लिखो, अभी डायगनल ही लिखो, स्केलर से फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे, होती तो वो स्केलर ही आ रहा हूँ अभी, उस पर भी डायगनल लिखिए, अ डायगनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू वन, आइडेंटिटी और इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है।
यूनिट मैट्रिक्स इस वजह से बोला जाता है क्योंकि वन को यूनिट भी बोल देते हैं ना, इस वजह से उसको यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर तीनों डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में तीनों डायगनल एलिमेंट्स इक्वल हो गए एंड दे आर बेसिकली इक्वल टू वन, वो वन के बराबर होने चाहिए। यहाँ आई लिखते हैं, ये खास तौर पर याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसको आई बोलते हैं, उसको ए बी सी डी ऐसे नहीं बोलते, उसका नाम है आई। और दूसरी चीज, एक और चीज, ये जो ऑर्डर मैंने लिया, ये ऑर्डर क्या लिया, मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, 3x3, ठीक है। तो कई बार किसी क्वेश्चन में आपको ऐसे 100001001 लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा i3। i3 का मतलब ही क्या है, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, 3x3, थर्ड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मान लो कहीं पर लिखा मिले i2, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी I2 क्या हो गया, सेकंड ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बोलिए भाई, समझ में आ गया? चलिए जी, इसके बाद लास्ट है आपका जीरो मैट्रिक्स, सेवंथ है जीरो मैट्रिक्स। कौन सा, ये वाला? हाँ, ये बस उसकी जगह डायगनल में 1 1 1 है उसके बाद। हाँ, उसके बाद ये है कि जरूरी नहीं है, किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको सिर्फ I3 लिखा हुआ हो, तो I3 का मतलब ही ये है कि ये वाली मैट्रिक्स लिखी हुई है। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 3 का मतलब कि वो 3x3 होगी, ठीक है। और 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, देख लो। I2 क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, इसको I2 बोलते हैं। और सर, I दे रखा होगा तो वो 3x3 मानेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको भी I3 बोल सकते हो आप, इसको भी आप I3 बोल सकते हो, ठीक है। आइडेंटिटी में से 3 और 2 ही होती है बस। असल में होती तो 4x4 भी है, 5x5 भी है, पर 4x4 मैट्रिक्स और 5x5 मैट्रिक्स जो होती है ना, उनको सॉल्व करने के लिए वो जो CBSE में पेज मिलता है ना, वो पेज छोटा पड़ जाता है। तो एक बेनिफिट है हमारे पास कि हमें 3x3 से ऊपर के ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ही, ठीक है ना। तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा, समझ गए। तो इसीलिए मैं 3x3 से ऊपर का एग्जाम्पल ले ही नहीं रहा हूँ। 4x4 जो है वो भी कैसे बनेगी, बता देते हैं। इधर भाई, उसमें एक एलिमेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर, 1 2 3 4 हो गई, 4 कदम, ठीक है। तो हमें 3x3 से ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक। उसके बाद सेवंथ टाइप, देखिएगा, सेवंथ टाइप है मैट्रिक्स की जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स में क्या है, यहां कोई स्क्वायर मैट्रिक्स वगैरह का चक्कर नहीं है, यहां पर सीधा सीधा है कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो, उसको जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स बोल देते हैं। मैट्रिक्स whose all elements are zero is called a zero square matrix। आपकी यही है, केवल स्क्वायर, डायगनल, स्केलर और आइडेंटिटी, ठीक है। ये सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी जरूरी है, बाकी कोई भी मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी नहीं है। इस कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स और
NULL matrix. Null matrix. ठीक example. अच्छा null matrix को represent करते हैं O से. O for zero. ठीक. Zero 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 zero. या फिर 0 0 0 0 0 0. तो इसमें ऑर्डर कोई ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है कि ये 2 बाई 2 भी है तो मैं इसके आगे O2 लिखूंगा, तो उसको ऑक्सीजन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस O लिख देना. ठीक है, ये हो गई हमारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, 7 टाइप की मैट्रिसेस हो गई. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. बस एक लाइन लिखिएगा, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल इफ दे आर ऑफ द two matrices are said to be equal if they are of the same order and each of their corresponding elements are equal. Two matrices are said to be equal if they are of the same order and each of their corresponding elements are equal. इसका सीधा हम example करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4, ये है पेज नंबर 63. एग्जाम्पल नंबर 4 में है इफ एक्स प्लस 3 मैट्रिक्स दे रखी है बेटा 3x3 की, एक्स प्लस 3 जेड प्लस 4 2y-7 -6 a-1 0 -6 a-1 0 b-3 -21 b-3 -21 0 is equal to मुझे क्या है, रुक जाओ, क्वेश्चन देखिए अभी समझ में आ जाएगा. देखो ये है 0 6 3y-2 -6 -3 और 2c+2 और वो है 2b+4 -21 और 0. अब जरा इसकी डेफिनेशन देख लीजिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. इसमें क्या दे रखा है, टू मैट्रिसेस आर सेट टू बी इक्वल. दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगी जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा. तो इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, तीन रो है, 1 2 3, तीन कॉलम, तो 3x3. सिमिलरली यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3, तो 3x3 ऑर्डर है दोनों तरफ. तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगी क्योंकि दोनों का ऑर्डर इक्वल है. उसके बाद बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है,
इसका मतलब क्या है कि ये मैट्रिसेस पहले से ही इक्वल है। अब ये अननोन्स की वैल्यू पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। समझ गए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि देखिए इसका ये पहला इस पोजीशन वाला एलिमेंट और इसका ये पोजीशन वाला एलिमेंट, ये दोनों इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब ये, समझ गए, ये वाला एलिमेंट क्या होगा, पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट, और ये क्या होगा, ये भी पहली रो और पहले कॉलम का एलिमेंट। तो ये हो गया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x की वैल्यू माइनस 3। इसी तरह से दूसरा देखो, इसका दूसरा एलिमेंट z प्लस 4 और इसका क्या है 6। तो z प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू क्या हो गई 2। समझ रहे होंगे, आसान है, ठीक है। ऐसे ही ये -6 -6 इक्वल है, ऐसे ही a माइनस 1 इज इक्वल टू -3, तो a की वैल्यू क्या होगी माइनस का 2। 2c + 2 इज इक्वल टू 0, 2c + 2 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू -1। b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, b - 3 इज इक्वल टू 2b + 4, 2b को इधर ले आओ, b - 2b is equal to 4 + 3, तो -b is equal to 7, मतलब b की वैल्यू क्या आ गई -7। a b c हो गया, x हो गया, z हो गया, y बचा बस केवल, अब y में लेना भूल गया, 2y - 7 is equal to 3y - 2। 2y - 7 is equal to 3y - 2, तो 3y को इधर ले आओ, 2y - 3y is equal to 7 - 2, तो y की वैल्यू क्या हो गई -5, ठीक है, y की वैल्यू -5 हो गई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल नंबर 5 है, छोड़ रहा हूँ करना अपने आप, उसमें भी इन्होंने यही दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी बन सकती है इसमें, समझ रहे हैं। एक हिंट दे रहा हूँ, करूँगा नहीं, एक हिंट दे रहा हूँ, तो सिर्फ देख लीजिए, इधर नोट कर लेना जरा सा। एग्जांपल नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फाइंड ए बी सी एंड डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, मैट्रिक्स की इक्वेशन दे रखी है, क्या है, 2a + b और a - 2b, 5c - d और 4c + 3d। इज इक्वल टू 4 - 3 = 24, 4 - 3 = 24। तो बेटा क्या होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो 2a + b इज इक्वल टू 4 इक्वेशन नंबर 1, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल, तो a - 2b इज इक्वल टू -3 इक्वेशन नंबर 2। तो a और b में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह होगी, जैसे x और y हुआ करते थे, इनको सॉल्व कर लेना, ऐसे ही 5c - d 11 के इक्वल आ जाएगा, 4c + 3d 24 के इक्वल आ जाएगा, उन दोनों को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन जैसा हम करें कर लेना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह होगा, ठीक है। एग्जांपल 5 के बाद में अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 में। 3.1 में 5 क्वेश्चन तक आपने कर लिए हैं, 6th आप कर सकते हैं, अब 7th भी कर सकते हैं। अच्छा, 8th रुक जाओ जरा, 8th छोड़ो, मैं करवाता हूँ, अभी 10th भी करवाते हैं। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ओके, 9th भी आप कर लेंगे, तो 10th पहले 10th देखिएगा,
एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 10 10th क्वेश्चन में है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, हाँ इसका एक फॉर्मूला होता है। उन्होंने बोला द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज, देखना 512 दे रखा है जो पीछे 5.2 है ना, हाँ ऑप्शन डी है ना, देखिए ऑप्शन डी है ना, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। पहले तो क्वेश्चन समझ में आ जाए सबको कि क्वेश्चन है क्या। ये है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3, तो 3x3 की कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं जिसमें सिर्फ आप दो ही एलिमेंट्स यूज करेंगे, दो ही नंबर आएंगे उसमें, 0 1 0 1 यही आएगा बस। मतलब आप ये देखो, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, ये होगी 1 0 0 0 0 0 0 0 1 डालते हैं आप, चलो है ना। तो ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर की है, 3x3 ऑर्डर की है। इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स कौन से यूज करे, नंबर्स कौन से यूज करे, अंदर 1 या 0, मैट्रिक्स के अंदर लिखे हुए नंबर्स को ही या अल्फाबेट्स को ही हम एलिमेंट्स बोल देते हैं, समझ गए। या फिर एक मैट्रिक्स ऐसी बन सकती है, बी इज इक्वल टू 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ये भी 3x3 की है। तो ऐसी 3x3 की कितनी मैट्रिसेस बना सकते हो आप सिर्फ 0 और 1 यूज करके। उसका तरीका ये होता है, एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास, 2 हैं सिर्फ, तो हम ये कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 2, ब्रैकेट में लिखिए, दैट इज 0 और 1, 0 और 1 के अलावा मैं और कोई एलिमेंट यूज ही नहीं कर सकता हूँ, दो ही एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मेरे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो उन्होंने बोला कि आपको 0 और 1 के अलावा और कोई तीसरा एलिमेंट यूज नहीं करना, 0 और 1 को यूज करके ही आपको जो है मैट्रिक्स बनानी है। तो कितनी ऐसी मैट्रिसेस बन जाएंगी, तो देख कर लगता है कि इनफाइनाइट, ये रोना पता है किस लिए है, ये रोना इस वजह से है कि ये शाम के टाइम चेयर्स लग जाती हैं, तो इसने आजकल नया गेम सीखा है, जो चेयर्स है ना, चेयर्स के बीच में से निकल के जाती है, घुटनों उनके बीच में से। तो कई बार ऐसा हो चुका है शायद आपका, जब आप 11th में थे तब भी शायद देखा होगा कि ऐसा होता था, है ना। लेकिन फिर वो फ्रीक्वेंसी ना धीरे धीरे बढ़ती चली गई, तो फिर अब दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है एडमिशन के टाइम पर, वहाँ से आएगी और पूरा यहाँ तक निकलना उसके लिए एक टास्क हो गया। वाह मज़ा आ गया, फिर खड़ी होगी, क्लैपिंग भी करेगी, ये चल रहा है। अभी जब क्लास खत्म हो जाएगी तो उसको यही करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। m क्या है यहाँ पर, ये कौन कितनी रो है, और n क्या है यहाँ पर कॉलम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 2, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 यानी कि 9, ये हो गया 512, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए जी, चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, ठीक। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करिएगा और क्वेश्चन 8 रह गया, चलो करवा दूंगा मैं। Thank you, sir. Okay.